बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम एस्पायर्स पीएमएस का सेशन हम बेनिक्स एकेडमी के प्लेटफार्म से चला रहे थे, तो पाकिस्तान स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर्स या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। दो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे, आज हमारा तीसरा टॉपिक है जिसको हम इन एसेंस ऑफ मुस्लिम कह सकते हैं या इवॉल्विंग ऑफ मुस्लिम बिफोर 1857 अंग्रेजों के आने से पहले। अब तीसरा टॉपिक जो है वो है तीसरी मशहूर शख्सियत सैयद अहमद शहीद के बारे में। ये कौन थे, इनको क्या जरूरत पेश आई मुसलमानों की रिवाइवल मूवमेंट चलाने के लिए, पीछे क्या इनका पसे मंजर था, इनकी रिवाइवल मूवमेंट्स का मुसलमानों पे क्या इफेक्ट पड़ा, आज इंशाल्लाह हम एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। अब मैं बता चुका हूँ कि इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक वीडियो लिखना है, वो वीडियो एक बहुत ही कमाल का होना चाहिए जिसमें उसका पसे मंजर, इस शख्सियत की आई की लाइफ और इनके जो मशहूर कारनामे हैं वो थोड़ी बहुत आपने समराइज करके लिखने हैं, बिल्कुल नहीं लिखना है। अब जब हम इनके इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे तो आपने लिखना है कि ये 1782 में पैदा हुए थे और ये जहाँ पैदा हुए थे वो शिमाली हिंद का एक इलाका है बरेली, इसलिए इनको सैयद अहमद बरेली भी कहा जाता है, तो बरेली इसलिए कि ये बरेली शहर में पैदा हुए थे। वहाँ पर पैदा हुए तो इन्होंने जवानी थी अपनी, जो इनका अपना इनका जो दरबार था, तो जवानी जो थी वो एक फौज में गुजरी थी, एक नवाब था उसकी फौज में ये बरेली हो गए थे। और जब इन्होंने अपनी फौज संभाली तो इन्होंने ये देखा कि मुसलमान जो है वो बहुत ही पिसते जा रहे हैं बिल्कुल ही, और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ना होने के बराबर है। तो उस जमाने में जो इन्होंने सबसे जो बुरी हालत देखी ना वो पंजाब में देखी, क्योंकि उस वक्त पंजाब में आ चुकी थी हुकूमत राजा रणजीत सिंह। अब जो राजा रणजीत सिंह था ये बिल्कुल ही मुतलिकुल अमान बादशाह था, मतलब ये जो कहना है वो ही होना है, और इसने बहुत ही अजीबोगरीब भी कवानीन नाफिज कर रखे थे। फॉर एग्जाम्पल इसको किसी ने शिकायत लगाई थी कि अजान होती है हमें सुबह सुबह प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा ईद की या जुमे की नमाज होती है तो सड़क बंद हो जाती है, हमारे कारोबार ठप हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसने हिस्ट्री में बाईस हिस्ट्री में भी मिलता है कि इसने जुमे के इजमात पर, ईद के इजमात पर, मुसलमान के डिफरेंट इजमात पर भी पाबंदी लगा दी, इवन अजान पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो इससे भी जब इसने हरकतें करनी शुरू की तो मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा पिसते गए और मजहबी आज़ादी पर पाबंदी लग गई। तो इसका हल जो था सैयद अहमद शहीद जो थे इन्होंने ये निकाला कि हम जिहाद मूवमेंट शुरू करेंगे सिख के खिलाफ, और हालांकि मुसलमान जो थे वो पंजाब में एक बड़ी तादाद में मौजूद थे, शायद 40 से 45% इनकी तादाद थी पंजाब में, लेकिन फिर भी हुकूमत नहीं थी तो इसका बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हो गया था। तो जब सैयद अहमद शहीद ने जिहाद मूवमेंट चलाने के लिए सबसे पहले एक दो उलमा थे मुसलमान के बहुत मशहूर, मौलाना अब्दुल हई और मौलाना इस्माइल शहीद, ये भी इनके साथ शहीद हो गए थे, इन दोनों को अपने साथ मिलाया और इनके जो स्टूडेंट्स थे उनको भी रागिब किया जिहाद के लिए कि अब हम पे जिहाद फर्ज हो चुका है। उसकी वजह यह है कि हम पे मजहबी आज़ादी पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। तो ये तो था इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, तो इन्होंने सिख्स के खिलाफ एक जिहाद मूवमेंट चलाई। अब सबसे पहले हम इनकी जिंदगी के मुतालिक बैठते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने ये जो इनके दो साथी थे इनके साथ जाके नौशहरा में एक हेडक्वार्टर बनाया। तो शहर एक शहर है पंजाब कटक के साथ लगता है बिल्कुल। तो वहाँ पर जब इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया राजा रणजीत सिंह को एक खत लिखा, या तो इस्लामपुर का आयो या मुजाहिदीन के साथ टक्कर देने के लिए तैयार हो जाओ। तो राजा रणजीत सिंह ने ना सिर्फ इस्लामपुर करने से इनकार किया बल्कि इस्लाम मुसलमानों की सख्त तहीन तोहीन की अपने खत के जवाब में, और ओपन चैलेंज दे दिया सैयद अहमद शहीद को कि आप ऐसा जहाँ कोई नहीं जंग कर सकते हैं। सैयद अहमद शहीद ने जो पहला हमला था वो अकोया के मुकाम पर हमला कर दिया सिख फोर्सेज पे, सिख किले पे, और जब इन्होंने वहाँ पे हमला किया तो वो सिख फोर्सेज आ गई, उस वक्त मुजाहिद ताज़ा दम थे और उस इलाके पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। उसके बाद एक दो और इलाकों पर हमले किए और मुसलमानों का उन इलाकों पर कब्जा होता गया, और काफ़ी ज़्यादा जो केपी के पंजाब के जो मोटे गए ना वहाँ पर 3-4 जो अजला थे वो सैयद अहमद शहीद के अंडर आ गए। लेकिन जो मेन जिला था जिनके पॉइंट ज्यादा हुकूमत करने की ख्वाहिश थी या कोशिश थी कि अगर मैं ये हिस्सा मेरे इलाके में आ जाए तो उम्मीद है कि मुसलमान जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वो था पेशावर। अब पेशावर में उस वक्त जो कबाइले थे वो यार मोहम्मद था उनका नाम, और कबाइली इलाका था उस वक्त आपको पता है अभी भी ट्राइबल चीफ्स होते थे। अब ये जो ट्राइबल चीफ्स थे इन्होंने भी सैयद अहमद शहीद के हाथ में बैत करी ली, तो यार मोहम्मद भी आया जो कबाइले था पेशावर का, इसने भी इसके हद सैयद अहमद शहीद के हाथ में बैत की और कहा कि मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन इसने क्या किया, ये बात भी एक साजिश का हिस्सा बन गया, सैयद अहमद को जहर देने की कोशिश की और आखिरकार इनकी टीम से भाग गया, इसी फोर्सेज को ही ज्वाइन कर लिया, और ज्यादा बात है कि T29 में इसको भी कत्ल कर दिया गया। तो
उसके बाद सैयद अहमद शहीद ने पेशावर पे हमला किया, लेकिन एक दफा दुकान के हाथ दूसरे हमले पे पेशावर फतह हो गया। ये 1830 की बात है, 1830 में इन्होंने पेशावर पे कब्जा कर लिया। काफी ज्यादा हिस्से हुए इनकी, तब तक हुकूमत कायम हो चुकी थी। इन्होंने वहां पे खिलाफत का ऐलान कर दिया और अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया गया। इनके जितने मुजाहिदीन थे उनको खलीफतुल मोमिनीन कह के बुलाते थे और वहां पे शरीयत नाफिज कर दी। और जब वहां पे शरीयत नाफिज की तो तकरीबन 1-1.5 साल वहां पे शरीयत नाफिज रही। और ये मिलने में आता है कि वो खलीफा जो जब इन्होंने वहां पे खिलाफत नाफिज की तो वो बहुत ही अमन दो बहुत अच्छी इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म थे उन्होंने, और वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद इनकी नीयत अभी जो इनका जो एम था वो पूरा नहीं था हुआ। इनका एम था कि एटलीस्ट पंजाब में मुसलमानों की गवर्नमेंट जो है वो दोबारा स्टैब्लिश होनी चाहिए। इस मकसद के लिए वो जो दोबारा पेशावर से निकले हुए बालाकोट के मुकाम तक अभी आए थे, तो कहा जाता है कि साजिश हो गई, मुखबरी हो गई कि इनके बारे में किसी ने बता दिया कि बालाकोट की तरफ से होते हुए आएंगे। तो बालाकोट के सिख फोर्सेज ने इन पर हमला कर दिया। जब भी हमला किया गया तो चूंकि ये रेडी नहीं थे पर वो बहुत ज्यादा वेपन्स के साथ आए हुए थे, उनकी तादाद भी ज्यादा थी, तो इस वजह से ये वहाँ पे शहीद हो गए। और वहाँ पे बालाकोट में भी अजीब का मिजाज मौजूद है। ये तो तीसरा इनकी जो मूवमेंट, इनकी जिहाद मूवमेंट जो है बाद में भी चलती है, लेकिन ये बहुत मशहूर इनकी जिहाद मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई थी। अब इसका कंक्लूजन इनका निकलता है कि मुसलमानों पर इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। तो अस्पायर्स कंक्लूजन तो यही है कि उस वक्त मुसलमानों में वही वाला जो शाह अब्दुल्ला ने एक जज्बा बेदार किया था, इन्होंने आइंदा आने वाली नस्ल में एक जज्बा हुरियत बेदार किया। पर मुसलमानों में एक दोबारा एक एहसास पैदा हुआ कि चाहे हुक्मरान जितना मर्जी जालिम है, हमने हुक्मरान के हर गैर इस्लामी हुक्म के ऊपर हमने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान की कोई बानी भी देने की दबा जाए। और यही अफजल तरीन जिहाद है हदीस के मुताबिक। तो सैयद अहमद शहीद ने मुसलमानों में एक जज्बा हुरियत पैदा किया जो बाद में आप पाकिस्तान बनाने के भी काम आया, खिलाफत मूवमेंट में भी काम आया। 1999 में 1857 की जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है वहाँ पर भी मुसलमानों के काम आया। और उसके अलावा जितनी हिंदुस्तान में स्टेट्स हैं, आपको पता 600 के लॉन्ग स्टेट्स थी, रियासतें थी, उनमें भी जहाँ जहाँ गैर मुस्लिम रूलर्स थे वो जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई भी मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के खिलाफ कोई भी बिल पास करते थे तो मुसलमानों का एक ग्रुप बन के उसके खिलाफ अलग बगावत बुलंद कर लेता था। इसका फ़ायदा ये होता था कि मुसलमानों को एक मजहबी आज़ादी हासिल हो जाती थी और वो जो मुस्लिम रूलर थे वो एक दफ़ा सोच जाते थे कि यार क्या इनके मतलब हमारा अपना भी नुकसान होंगे और मतलब हमें इकोनॉमिकली भी लॉस होगा, जानी तौर पर भी नुकसान होगा, तो इसलिए बेहतर है कि मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर हाथ ना डालें। मतलब पहले से मुसलमान थे वो चुप करे थे, सहते रहते थे, तो इनका एक इन्होंने एक मुसलमान कहते जिसके हम जज्बा हुरियत में बार बार एक वर्ड इस्तेमाल करे उन्होंने एक बेदार कर दिया था, जो बाद में कहा जाता है कि पाकिस्तान बनाने के भी काम है। बहुत शुक्रिया।